हेलो भाई लोग, तो कैसे हो यार? वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम लोग गेम की वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड जिसको कहते हैं माइनिंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि ये कोई फाइनेंशियल या करियर एडवाइस नहीं है, तो इसको अपने अपने रिस्क पर आपने ट्राई करना है, क्योंकि हर चीज़ को का हर काम को करने के अंदर कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ उसकी अंदर की डीप टर्म्स होती हैं जिसको आपका जानना या आपको खुद एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उन भाइयों के लिए जिन लोगों को माइनिंग का कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों को बता दूं कि माइनिंग आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये एक किस्म का बिज़नेस होता है जिसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और आप इससे पैसे कमा सकते हैं जैसे दूसरे कामों पे करवाते हैं। तो जिनको आइडिया है कि माइनिंग होती क्या, उनके लिए ये है कि दो बेसिक एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर के अंदर जो यूज़ होती हैं। एक है माइनर स्टैट या माइनर स्टेट, जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहो। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो जैसे आपका दिल करे बोल सकते हैं। माइनर स्टैट एक एप्लीकेशन है, उसके अलावा एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है नाइस हैश। नाइस हैश, तो नाइस हैश एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग माइनिंग कर सकते हो। सबसे इजी या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो यूज़ होती है एप्लीकेशन, यानी कि जो बहुत ही इजी है, वो जिन लोगों को नहीं आइडिया, जो बिगनर्स के लिए है, वो नाइस हैश है। बस इसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, या इसका थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा लूज़ पॉइंट है कि ये लोग अपना थोड़ा सा बीच में से कमीशन रखते हैं जितना प्रॉफिट आपको देते हैं। तो अगर आप सरदर्द से बचना चाहते हैं तो नाइस हैश ट्राई करें, और अगर आप लोग थोड़े से मेच्योर हो चुके हैं या नाइस हैश को यूज़ करके आप अपने लगाए हुए सिस्टम पे, लगाए हुए कार्ड से अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं जिसके आपको थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए या थोड़ा 19-20 का ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए, तो उसके लिए है माइनर स्टैट या माइनर स्टेट, जैसे भी आप इसको कहें। इसको डाउनलोड करना बहुत ईजी है, ये माइनर स्टैट की वेबसाइट है। इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तीन है, माइनिंग ओएस है जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक इसके साथ हाई ओएस आता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा माइनर स्टैट का एक अपना माइनिंग सॉफ्टवेयर है या ओएस है पूरा, यानी कि विंडो ही इनकी अपनी है। एक हिसाब से आप कह लेंगे ये विंडो ही इनकी लैदा, जिसके ऊपर सिर्फ ये चलता है, बाकी कोई काम नहीं होता। उसके अलावा अगर आप विंडोज़ के ऊपर माइनिंग करना चाहते हैं तो ये विंडोज़ माइनिंग की ऑप्शन है ये वाली, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड माइनर स्टैट इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, तो आपका ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे इस तरह का लोगो आ जाएगा, जो कि चलने के बाद इस तरह शो होता है, जो कि चल रहा है, रनिंग पे है, इसलिए चल रहा है, इसलिए मैं क्लोज़ नहीं करना चाहता। अगर आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने डैशबोर्ड पे जाना है। जब आपका माइनर डाउनलोड हो गया तो अब इसकी सेटिंग करनी है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। माइनिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक माइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो माइनिंग करता है, यानी कि आपको माइनिंग प्रोवाइड करता है कि आप उसके ऊपर माइनिंग कर सकते हो। माइनिंग होती नहीं है उसके अंदर, यानी कि उसके थ्रू माइनिंग हो सकती है। ये आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन बताता है कि इसके ज़रिए आपको एस्टिमेट इतने पैसे मिल जाएंगे, आप कितने पैसे बनेंगे, जिस तरह यहाँ पे $9.77 शो हो रहे हैं पर डे, ये वीक के हैं, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर आप उस सिस्टम को कितनी देर चलाते हो वो भी चीज़ें काउंट होती हैं, और इसके अंदर ये भी चीज़ें काउंट होती हैं, नेट चला गया है या लाइट नहीं है या आपने इसको कितनी देर चलाया, तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको इस चीज़ का आइडिया होता जाएगा। तो माइनिंग करने के लिए सबसे पहले जब आप लोग इस चीज़ को आप न्यू इंस्टॉल करोगे, इसको आईडी बना के नया प्रोफाइल, बहुत इजी है, सिंपल सी चीज़ है, अपने जीमेल के थ्रू आपने इसको लिंक करके आपने आईडी बना लेनी है। जैसे ही आईडी बन जाएगी सबसे पहले अपने वर्कर्स पे आना है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये मेरा वर्कर चल रहा है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ऐड वर्कर होगा, अगर यहाँ पे पहले कोई वर्कर हुआ उसको आप रिमूव कर देना, क्योंकि आपको खुद एक वर्कर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे अपग्रेड की ऑप्शन आ रही है, तो आपको एक नया वर्कर अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड करना होगा। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है आपने बताना होता है दो तीन चीज़ें, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है एक एड्रेस एडिटर। एड्रेस एडिटर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग जो कॉइन माइन करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा कॉइन जो माइन किया जाता है इस टाइम, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है वो है इथेरियम, ETH, ये हम लोगों ने किया है। इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, ये जो पूल एड्रेस है
पूल पे होती है असल में माइनिंग, पूल पे होती है माइनिंग, पूल ही आपको रिवॉर्ड देता है। माइनरस्टैट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक जगह प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप माइनिंग कर सकते हो। होती कहाँ पे है? पूल पे माइनिंग होती है, पूल वाले आपको रिवॉर्ड देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला, जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो है टू माइनर्स, टू माइनर्स। इस पर क्लिक किया, ये माइनिंग ओपन हो जाएगी। ये है टू माइनर्स, ये है पूल, टू माइनर्स का पूल है। ये आपको माइनिंग प्रोवाइड करता है, इसके ऊपर माइनिंग होती है, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है। आपने क्या करना है, इथीरियम माइन रेवन कॉइन भी कर सकते हैं, इथीरियम क्लासिक भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इथीरियम का है, तो हम लोग इथीरियम पर क्लिक करेंगे। और ये आप देख सकते हो इथीरियम माइनिंग पूल, इसकी 24.65 टेरा हैश इसका हैश रेट है, यानी कि पूरी दुनिया में इतना यूज़ किया जा रहा है। ब्लॉक रिवॉर्ड इथीरियम प्लस टैक्स फी प्लस MEV, ये टैक्स फी अभी ख़त्म होने वाली है EIP 1559 के अंदर, तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 2 इथीरियम ही रिवॉर्ड मिला करेगा, यानी कि रिवॉर्ड थोड़े कम होने के चांसेस हैं, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे माइनर्स जो हैं, जो सर्वर हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, वो आपको दे देंगे। हम लोग एशिया में बैठे हुए हैं तो हम लोग एशिया सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई बंदा बाहर से है, कोई यूरोप से है, कोई USA से है, तो वो अपनी मर्ज़ी के, जो अपनी डिमांड के हैं, वो इनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, कंप्लीट को कॉपी, माइनर्स टैट के ऊपर वापस आना है एड्रेस एडिटर के अंदर, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट कर देना। मैंने चूँकि यहाँ पे किया हुआ है तो सेम एड्रेस आप देख सकते हैं, सेम एड्रेस है, यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद वॉलेट्स पे आते हैं। आप लोग माइनिंग करोगे तो वो जो जो आपके इथेरियम बनेगा, जो आप बाद में इसको सेल करोगे या आप उसको इकट्ठा करोगे, वो आप किसी जगह पे स्टोर करोगे, उसके लिए डिजिटल वॉलेट होते हैं। लोग कॉइनबेस यूज़ करते हैं, बाइनांस यूज़ करते हैं, और हॉटबिट यूज़ करते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आप लोग विड्रॉ लेना चाहते हो। तो वो एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करोगे, ये मेरा एड्रेस है, तो आप इसके अंदर इसको करके सेव कर दोगे, तो आपका जो माइनिंग है वो ओके हो जाएगी। उसके बाद आप आते हो वर्कर कॉन्फ़िगरेशन या वर्कर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप इसको बोलना चाहो। इसके ऊपर मैंने अपनी मर्ज़ी से इसका नाम दिया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम दे सकते हो, AMD दे दो, विंडोज़ दे दो, NVIDIA, जो भी आपने जिस तरह के कार्ड लगाए हैं वो आप इसको दे सकते हो। उसके अलावा ग्रुप्स आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉक वाइज क्लॉक ट्यून कुछ भी नहीं करना, वो आपको अगली वीडियो में अलहदा से बता दूंगा। यहाँ पर आए, ये देखें फिनिक्स इथीरियम माइनर, ये होता है, ये माइनर है जो माइनिंग करता है। पूल आपको रिवॉर्ड देता है, माइनरस्टैट आपको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। इथीरियम माइनर के नाम से या फिनिक्स इथीरियम माइनर, ये देखें, ये है माइनर्स, ये एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स जो कि कॉइन्स को माइन करती हैं, उनके थोड़े रेशियोज पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जिनको बाद में आप कैश आउट करके अपने करेंसी में पेमेंट ले सकते हो। फिनिक्स इथीरियम माइनर इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनमें NVIDIA और AMD दोनों के ग्राफिक कार्ड्स इजीली चल जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है। तो वर्कर का नेम खुद ही कर देगा वो, इथीरियम जो आपने पूल डाला है वो आ जाएगा, वॉलेट इथीरियम का जो हम लोगों ने डाला है वो आ जाएगा, और ये चीज़ ऐसे है। उसके बाद इसको सिर्फ सेव करना है और दैट्स इट। जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी, और बाकी जब ये ब्लैक स्क्रीन है इसको आपने बंद नहीं करना, इसी के ऊपर आपकी ये ही माइनिंग चल रही है, इसको देख सकते हो तसल्ली से। बाकी जो सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि बाकी कैसे करना है। माइनरस्टैट को ओपन करना, यूज़ करना बहुत ईजी था जो मैंने आपको बता दिया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं, इसकी वर्किंग आवर्स कितने हैं, खुद बैठ के करना पड़ता है, कुछ भी किसी के भी जेहन में कुछ भी हो आप लोग पूछ सकते हैं। लीव दिस पेज, सिर्फ ये चीज़ थी माइनरस्टैट को यूज़ करने की, वो मैंने आपको बता दिया, इसको यूज़ करें, और इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।